गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर वन कंप्यूटर वर्ड रिवीजन क्लास. ओके, यू आर सीइंग द ब्लैक बोर्ड. देयर इज अ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू. दीज आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न व्हाट इज कंप्यूटर, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस. इस चैप्टर में आप जानेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का यूज़ क्या है और कंप्यूटर का अलग अलग प्लेसेस पर यूज़ कैसे होता है. व्हाट इज कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट रिसीव डेटा. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को रिसीव करती है, प्रोसेस करती है एंड स्टोर डेटा एंड प्रोसेस एज रिजल्ट. उसके बाद प्रोसेस करने के बाद एक रिजल्ट आउटपुट के रूप में देती है. इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि फ्रिज में आपने किसी पॉट में, फ्रीजर में पानी रखा, फ्रिज ने उसको 2-3 घंटे में प्रोसेस किया और 3 घंटे के बाद हमको जमी हुई आइस मिल गई. यहाँ पर हमने देखा कि हमने एज ए इनपुट वाटर दिया, फ्रिज ने उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में हमको आइस मिली. ठीक ऐसे ही कंप्यूटर भी हमसे डेटा लेता है और डेटा में हम वर्ड्स, नंबर, पिक्चर्स एक्सेट्रा कोई भी चीज़ ऐसी दे सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें डेटा में इंक्लूड होती हैं और कंप्यूटर इसको प्रोसेस करने के बाद हमको उसका आउटपुट देता है. यूजेज ऑफ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर मैनी सिंपल टास्क लाइक ड्राइंग पिक्चर्स. कंप्यूटर पर आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइटिंग लेटर्स, लेटर्स लिख सकते हैं, एडिंग नंबर्स, नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, वॉचिंग मूवीज एंड कार्टून्स, कार्टून मूवी देख सकते हैं, लिसनिंग म्यूजिक एंड प्लेइंग गेम एंड मोर देन. ये सारे काम हम इजली कंप्यूटर पर कर सकते हैं. टूडे वी कैन सी कंप्यूटर्स एवरीवेयर. आज की डेट में हम हर जगह ऑफिस में, बैंक में, स्कूल में, बड़े बड़े मॉल्स में, रेलवे स्टेशन, हर जगह कंप्यूटर को देखते हैं. वी फाइंड देम एट होम. हम घर पे, स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल और इन सारी जगहों पर उसको देखते हैं. लेट्स सी एंड फाइंड द डिफरेंस यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स एट डिफरेंट प्लेसेस. आइए देखते हैं कि अलग अलग प्लेसेस पर उसका क्या क्या यूज़ होता है. एट होम, घर पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर का. एट होम अ कंप्यूटर हेल्प अस इन मैनी वेज. घर पर कंप्यूटर हमारा कई तरह से हमारा यूज़ आता है. इट हेल्प अस टू डू आवर होमवर्क. आपको होमवर्क करने में कंप्यूटर हेल्प कर सकता है. वी कैन लिसन सॉन्ग्स, गाने सुनने में, ड्रॉ एंड कलर, पिक्चर्स को ड्रॉ करने में, कलर करने में. वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज थ्रू ईमेल्स. हम अपने जानने वालों को मेल कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से. ऑल ओवर वर्ल्ड में वो कहीं भी हों, हम उनसे उनको मैसेज कर सकते हैं. वी कैन प्ले गेम्स, और हम गेम भी खेल सकते हैं. ये तो हो गया कि हम इसको घर में कैसे यूज़ करेंगे. स्कूल में इसका क्या यूज़ है? कीपिंग डिटेल्स ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में बुक्स की डिटेल रखने में, कीपिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने में. टू प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड्स एंड एग्जामिनेशन पेपर्स. रिपोर्ट कार्ड्स तैयार करने में और एग्जामिनेशन पेपर्स तैयार करने में. टू टीच स्टूडेंट, बच्चों को पढ़ाने में. टू प्रिपेयर फी बिल्स, और फी बिल्स तैयार करने में इसका यूज़ स्कूल में होता है. शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स. इन शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स वी यूज़ कंप्यूटर. शॉप्स और डिपार्टमेंटल स्टोर में हम कंप्यूटर का यूज़ टू प्रिपेयर बिल्स, बिल्स प्रिपेयर करने में. कीपिंग डिटेल्स ऑफ गुड्स एंड कस्टमर. अपने गुड्स का यानी कि अपने सामान का और कस्टमर का डिटेल रखने में. टू प्रिपेयर प्राइस लिस्ट, और प्राइस लिस्ट तैयार करने में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. ऑफिस. इन ऑफिस वी ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर. ऑफिस में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है. टू सेंड एंड रिसीव मैसेज. ऑफिशियल मैसेज हम सेंड कर सकते हैं और मैसेज रिसीव करते हैं.
टू टाइप एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को टाइप करना, प्रिंट करना। टू कीप ऑफिस रिकॉर्ड्स, और ऑफिस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में क्या यूज है? इन हॉस्पिटल वी यूज कंप्यूटर्स इन मैनी वेज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने में। टू परफॉर्म ऑपरेशंस, ऑपरेशंस परफॉर्म करने में। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि आज की डेट में हमारे शरीर के अंदर कैमरे के थ्रू ऑपरेशन होता है, जिसका स्क्रीन पर हम वीडियो देख लेते हैं बाहर बैठ करके। ये सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं। टू प्रिपेयर बिल्स, पेशेंट का बिल प्रिपेयर करने में। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ डॉक्टर्स, स्टाफ मेंबर्स एंड मेडिसिन, दवाइयों का, नर्सेस का और डॉक्टर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने में। टू डू मेडिकल टेस्ट, और टेस्ट के यूज़ में भी, टेस्ट कराने में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। बैंक्स, इन बैंक वी यूज़ कंप्यूटर इन मैनी वेज, बैंक्स में हम कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ करते हैं। टू मेंटेन द अकाउंट ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स के अकाउंट मेंटेन करने में। टू विड्रॉ मनी, पैसे को निकालने में। टू डिपॉजिट मनी थ्रू एटीएम, एटीएम के थ्रू पैसे को जमा करना, पैसे को निकालना, जिसका एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, इन एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशंस वी यूज कंप्यूटर, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। टू बुक एंड कैंसिल टिकट्स, टिकट्स को बुक करना, टिकट्स को कैंसिल करना। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स, फ्लाइट्स के आने जाने का समय निर्धारित करना, उसको शो करना कस्टमर्स को। टू कीप ट्रैक ऑफ लोकेशन, स्पीड एंड डायरेक्शन, ट्रेन की और फ्लाइट की लोकेशन, उसकी स्पीड और उसके डायरेक्शन को ट्रैक करना, ये सारे यूज़ कंप्यूटर पर होते हैं। डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर हेल्प आर्किटेक्ट इन डिज़ाइनिंग बिल्डिंग एंड हाउसेज, बिल्डिंग एंड हाउसेज में भी डिज़ाइनिंग करने में, उसकी डिज़ाइन तैयार करने में इसका यूज़ होता है। कंप्यूटर हेल्प इंजीनियर्स इन डिज़ाइनिंग कार्स, एरोप्लेन्स एंड अदर मशीन, इंजीनियर्स कार की डिज़ाइनिंग में, एरोप्लेन की डिज़ाइनिंग में और बड़ी बड़ी मशीनों की डिज़ाइनिंग में कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं। कंप्यूटर हेल्प फैशन डिज़ाइनिंग टू डिज़ाइनिंग क्लोथ्स, कपड़ों की डिज़ाइनिंग में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। कंप्यूटर हेल्प टू डिज़ाइन एंड प्रिंट द बुक्स, बुक्स मैगजीन आदि प्रिंट करने में भी उसका यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर ऑल्सो हेल्प अस इन लर्निंग न्यू स्किल, नई नई चीज़ें सीखने में कंप्यूटर का यूज़ होता है, लाइक ड्राइव कार, कार चलाने में और फ्लाई एरोप्लेन, एरोप्लेन चलाने में। एंड टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेज एंड कुकिंग, अलग अलग लैंग्वेज सीखना हो, कुकिंग सीखना हो, या बहुत सी सारी स्किल्स हम आज की डेट में कंप्यूटर पर यूट्यूब गूगल के माध्यम से तमाम चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं और सीख सकते हैं। सो चिल्ड्रेन, I taught you that computer is very useful electronic machine. There are four main parts of computer. One is monitor, keyboard, mouse and CPU. CPU full form is central processing unit. I hope you understand this chapter very well. Watch this video more than two times and understand, try to understand this video, this concept easily. Okay, thank you. Good morning, students. Let's start your chapter 1 computer word revision class. Okay, you are seeing the blackboard. There is a monitor, keyboard, mouse and CPU. These are four main parts of computer. In this chapter, you will learn what is computer, use of computer and uses of computer at different places. इस chapter में आप जानेंगे computer क्या है, computer का use क्या है और computer का अलग अलग places पर use कैसे होता है। What is computer? A computer is an electronic machine that receive data. Computer एक electronic machine है जो data को receive करती है, process करती है
एंड स्टोर डेटा एंड प्रोसेस एज रिजल्ट। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद एक रिजल्ट आउटपुट के रूप में देती है। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि फ्रिज में आपने किसी पॉट में फ्रीजर में पानी रखा, फ्रिज ने उसको 2-3 घंटे में प्रोसेस किया और 3 घंटे के बाद हमको जमी हुई आइस मिल गई। यहाँ पर हमने देखा कि हमने एज ए इनपुट वाटर दिया, फ्रिज ने उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में हमको आइस मिली। ठीक ऐसे ही कंप्यूटर भी हमसे डेटा लेता है और डेटा में हम वर्ड्स, नंबर, पिक्चर्स एक्सेट्रा कोई भी चीज़ ऐसी दे सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें डेटा में इंक्लूड होती हैं और कंप्यूटर इसको प्रोसेस करने के बाद हमको उसका आउटपुट देता है। यूजेज ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर मैनी सिंपल टास्क लाइक ड्राइंग पिक्चर्स। कंप्यूटर पर आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइटिंग लेटर्स, लेटर्स लिख सकते हैं, एडिंग नंबर्स, नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, वॉचिंग मूवीज एंड कार्टून्स, कार्टून मूवी देख सकते हैं, लिसनिंग म्यूजिक एंड प्लेइंग गेम एंड मोर देन। ये सारे काम हम इजली कंप्यूटर पर कर सकते हैं। टुडे वी कैन सी कंप्यूटर्स एवरीवेयर। आज की डेट में हम हर जगह ऑफिस में, बैंक में, स्कूल में, बड़े बड़े मॉल्स में, रेलवे स्टेशन, हर जगह कंप्यूटर को देखते हैं। वी फाइंड देम एट होम। हम घर पे, स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल और इन सारी जगहों पर उसको देखते हैं। लेट्स सी एंड फाइंड द डिफरेंस यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स एट डिफरेंट प्लेसेस। आइए देखते हैं कि अलग अलग प्लेसेस पर उसका क्या क्या यूज होता है। एट होम, घर पर हम क्या यूज कर सकते हैं कंप्यूटर का। एट होम अ कंप्यूटर हेल्प अस इन मैनी वेज। घर पर कंप्यूटर हमारा कई तरह से हमारा यूज आता है। इट हेल्प अस टू डू आवर होमवर्क। आपको होमवर्क करने में कंप्यूटर हेल्प कर सकता है। वी कैन लिसन सॉन्ग्स, गाने सुनने में, ड्रॉ एंड कलर, पिक्चर्स को ड्रॉ करने में, कलर करने में। वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज थ्रू ईमेल्स। हम अपने जानने वालों को मेल कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से, ऑल ओवर वर्ल्ड में वो कहीं भी हों हम उनसे उनको मैसेज कर सकते हैं। वी कैन प्ले गेम्स, और हम गेम भी खेल सकते हैं। ये तो हो गया कि हम इसको घर में कैसे यूज़ करेंगे। स्कूल में इसका क्या यूज़ है। कीपिंग डिटेल्स ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बुक्स की डिटेल रखने में, कीपिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने में, टू प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड्स एंड एग्जामिनेशन प्रिपेयर्स, रिपोर्ट कार्ड्स तैयार करने में और एग्जामिनेशन पेपर्स तैयार करने में, टू टीच स्टूडेंट बच्चों को पढ़ाने में, टू प्रिपेयर फी बिल्स और फी बिल्स तैयार करने में इसका यूज स्कूल में होता है। शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स। इन शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स वी यूज कंप्यूटर। शॉप्स और डिपार्टमेंटल स्टोर में हम कंप्यूटर का यूज टू प्रिपेयर बिल्स, बिल्स प्रिपेयर करने में, कीपिंग डिटेल्स ऑफ गुड्स एंड कस्टमर, अपने गुड्स का यानी कि अपने सामान का और कस्टमर का डिटेल रखने में, टू प्रिपेयर प्राइस लिस्ट और प्राइस लिस्ट तैयार करने में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। ऑफिस। इन ऑफिस वी ऑल्सो यूज कंप्यूटर। ऑफिस में भी कंप्यूटर का यूज होता है। टू सेंड एंड रिसीव मैसेज, ऑफिशियल मैसेज हम सेंड कर सकते हैं और मैसेज रिसीव करते हैं। टू टाइप एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को टाइप करना, प्रिंट करना। टू कीप ऑफिस रिकॉर्ड्स और ऑफिस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना। हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में क्या यूज़ है। इन हॉस्पिटल वी यूज कंप्यूटर्स इन मैनी वेज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने में, टू परफॉर्म ऑपरेशंस, ऑपरेशंस परफॉर्म करने में। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि आज की डेट में हमारे शरीर के अंदर कैमरे के थ्रू ऑपरेशन होता है जिसका स्क्रीन पर हम वीडियो देख लेते हैं बाहर बैठ करके। ये सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं। टू प्रिपेयर बिल्स, पेशेंट का बिल प्रिपेयर करने में। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ डॉक्टर्स, स्टाफ मेंबर्स एंड मेडिसिन, दवाइयों का, नर्सेस का और डॉक्टर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने में। टू डू मेडिकल टेस्ट, और टेस्ट के यूज़ में भी, टेस्ट कराने में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है।
बैंक्स, इन बैंक वी यूज़ कंप्यूटर इन मैनी वेज। बैंक्स में हम कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ करते हैं। टू मेंटेन द अकाउंट ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स के अकाउंट मेंटेन करने में। टू विदड्रॉ मनी, पैसे को निकालने में। टू डिपॉजिट मनी थ्रू एटीएम, एटीएम के थ्रू पैसे को जमा करना, पैसे को निकालना, जिसका एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, इन एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशंस वी यूज़ कंप्यूटर। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। टू बुक एंड कैंसिल टिकट्स, टिकट्स को बुक करना, टिकट्स को कैंसिल करना। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स, फ्लाइट्स के आने जाने का समय निर्धारित करना, उसको शो करना कस्टमर्स को। टू कीप ट्रैक ऑफ लोकेशन स्पीड एंड डायरेक्शन, ट्रेन की और फ्लाइट की लोकेशन, उसकी स्पीड और उसके डायरेक्शन को ट्रैक करना, ये सारे यूज़ कंप्यूटर पर होते हैं। डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर हेल्प आर्किटेक्ट इन डिज़ाइनिंग बिल्डिंग एंड हाउसेज। बिल्डिंग एंड हाउसेज में भी डिज़ाइनिंग करने में, उसकी डिज़ाइन तैयार करने में इसका यूज़ होता है। कंप्यूटर हेल्प इंजीनियर्स इन डिज़ाइनिंग कार्स, एरोप्लेन्स एंड अदर मशीन। इंजीनियर्स कार की डिज़ाइनिंग में, एरोप्लेन की डिज़ाइनिंग में और बड़ी बड़ी मशीनों की डिज़ाइनिंग में कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं। कंप्यूटर हेल्प फैशन डिज़ाइनिंग टू डिज़ाइनिंग क्लोथ्स, कपड़ों की डिज़ाइनिंग में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। कंप्यूटर हेल्प टू डिज़ाइन एंड प्रिंट द बुक्स, बुक्स मैगजीन आदि प्रिंट करने में भी उसका यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर ऑल्सो हेल्प अस इन लर्निंग न्यू स्किल, नई नई चीज़ें सीखने में कंप्यूटर का यूज़ होता है, लाइक ड्राइव कार, कार चलाने में, और फ्लाई एरोप्लेन, एरोप्लेन चलाने में। एंड टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेज एंड कुकिंग, अलग अलग लैंग्वेज सीखना हो, कुकिंग सीखना हो, या बहुत सी सारी स्किल्स हम आज की डेट में कंप्यूटर पर यूट्यूब गूगल के माध्यम से तमाम चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं और सीख सकते हैं। सो चिल्ड्रन, आई टॉट यू दैट कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देयर आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, वन इज़ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। सीपीयू फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। वॉच दिस वीडियो मोर देन टू टाइम्स एंड अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, दिस कॉन्सेप्ट ईजली। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर वन कंप्यूटर वर्ड रिवीजन क्लास। ओके, यू आर सीइंग द ब्लैक बोर्ड, देयर इज अ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। दीज आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न व्हाट इज कंप्यूटर, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस। इस चैप्टर में आप जानेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का यूज़ क्या है और कंप्यूटर का अलग अलग प्लेसेस पर यूज़ कैसे होता है। व्हाट इज कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट रिसीव डेटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को रिसीव करती है, प्रोसेस करती है एंड स्टोर डेटा एंड प्रोसेस एज रिजल्ट। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद एक रिजल्ट आउटपुट के रूप में देती है। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि फ्रिज में आपने किसी पॉट में, फ्रीज़र में पानी रखा, फ्रिज ने उसको 2-3 घंटे में प्रोसेस किया और 3 घंटे के बाद हमको जमी हुई आइस मिल गई। यहाँ पर हमने देखा कि हमने एज ए इनपुट वाटर दिया, फ्रिज ने उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में हमको आइस मिली। ठीक ऐसे ही कंप्यूटर भी हमसे डेटा लेता है और डेटा में हम वर्ड्स, नंबर, पिक्चर्स एक्सेट्रा कोई भी चीज़ ऐसी दे सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें डेटा में इंक्लूड होती हैं और कंप्यूटर इसको प्रोसेस करने के बाद हमको उसका आउटपुट देता है। यूजेज ऑफ कंप्यूटर,
A computer can be used for many simple tasks like drawing pictures. कंप्यूटर पर आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइटिंग लेटर्स, लेटर्स लिख सकते हैं, एडिंग नंबर्स, नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, वॉचिंग मूवीज एंड कार्टून्स, कार्टून मूवी देख सकते हैं, लिसनिंग म्यूजिक एंड प्लेइंग गेम एंड मोर देन, ये सारे काम हम इजली कंप्यूटर पर कर सकते हैं. टुडे वी कैन सी कंप्यूटर्स एवरीवेयर. आज की डेट में हम हर जगह ऑफिस में, बैंक में, स्कूल में, बड़े बड़े मॉल्स में, रेलवे स्टेशन, हर जगह कंप्यूटर को देखते हैं. वी फाइंड देम एट होम, हम घर पे, स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल और इन सारी जगहों पर उसको देखते हैं. लेट्स सी एंड फाइंड द डिफरेंस यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स एट डिफरेंट प्लेसेस. आइए देखते हैं कि अलग अलग प्लेसेस पर उसका क्या क्या यूज होता है. एट होम, घर पर हम क्या यूज कर सकते हैं कंप्यूटर का. At home a computer help us in many ways. घर पर कंप्यूटर हमारा कई तरह से हमारा यूज आता है. It help us to do our homework. आपको होमवर्क करने में कंप्यूटर हेल्प कर सकता है. We can listen songs, गाने सुनने में, draw and color, pictures को draw करने में, color करने में. We can send and receive messages through emails. हम अपने जानने वालों को मेल कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से. ऑल ओवर वर्ल्ड में वो कहीं भी हों, हम उनसे उनको मैसेज कर सकते हैं. वी कैन प्ले गेम्स, और हम गेम भी खेल सकते हैं. ये तो हो गया कि हम इसको घर में कैसे यूज़ करेंगे. स्कूल में इसका क्या यूज़ है. कीपिंग डिटेल्स ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक्स की डिटेल रखने में. कीपिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने में. टू प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड्स एंड एग्जामिनेशन पेपर्स, रिपोर्ट कार्ड्स तैयार करने में और एग्जामिनेशन पेपर्स तैयार करने में. टू टीच स्टूडेंट, बच्चों को पढ़ाने में. टू प्रिपेयर फी बिल्स, और फी बिल्स तैयार करने में इसका यूज़ स्कूल में होता है. शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इन शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स वी यूज़ कंप्यूटर. शॉप्स और डिपार्टमेंटल स्टोर में हम कंप्यूटर का यूज़ टू प्रिपेयर बिल्स, बिल्स प्रिपेयर करने में. कीपिंग डिटेल्स ऑफ गुड्स एंड कस्टमर, अपने गुड्स का यानी कि अपने सामान का और कस्टमर का डिटेल रखने में. टू प्रिपेयर प्राइस लिस्ट, और प्राइस लिस्ट तैयार करने में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. ऑफिस, इन ऑफिस वी ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर, ऑफिस में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है. टू सेंड एंड रिसीव मैसेज, ऑफिशियल मैसेज हम सेंड कर सकते हैं और मैसेज रिसीव करते हैं. टू टाइप एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को टाइप करना, प्रिंट करना. टू कीप ऑफिस रिकॉर्ड्स, और ऑफिस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना. हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में क्या यूज़ है. इन हॉस्पिटल वी यूज़ कंप्यूटर्स इन मैनी वेज. टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने में. टू परफॉर्म ऑपरेशंस, ऑपरेशंस परफॉर्म करने में. आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि आज की डेट में हमारे शरीर के अंदर कैमरे के थ्रू ऑपरेशन होता है, जिसका स्क्रीन पर हम वीडियो देख लेते हैं बाहर बैठ करके. ये सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं. टू प्रिपेयर बिल्स, पेशेंट का बिल प्रिपेयर करने में. टू कीप रिकॉर्ड ऑफ डॉक्टर्स, स्टाफ मेंबर्स एंड मेडिसिन, दवाइयों का, नर्सेस का और डॉक्टर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने में. टू डू मेडिकल टेस्ट, और टेस्ट के यूज़ में भी, टेस्ट कराने में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है. बैंक्स, इन बैंक वी यूज़ कंप्यूटर इन मैनी वेज. बैंक्स में हम कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ करते हैं. टू मेंटेन द अकाउंट ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स के अकाउंट मेंटेन करने में. टू विड्रॉ मनी, पैसे को निकालने में. टू डिपॉजिट मनी थ्रू एटीएम, एटीएम के थ्रू पैसे को जमा करना, पैसे को निकालना, जिसका एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन. एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, इन एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशंस वी यूज़ कंप्यूटर. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी कंप्यूटर का यूज़ होता है. टू बुक एंड कैंसिल टिकट्स, टिकट्स को बुक करना, टिकट्स को कैंसिल करना. टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स, फ्लाइट्स के आने जाने का समय निर्धारित करना, उसको शो करना कस्टमर्स को. टू कीप
ट्रैक ऑफ लोकेशन स्पीड एंड डायरेक्शन, ट्रेन की और फ्लाइट की लोकेशन, उसकी स्पीड और उसके डायरेक्शन को ट्रैक करना, ये सारे यूज कंप्यूटर पर होते हैं। डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर हेल्प आर्किटेक्ट इन डिज़ाइनिंग बिल्डिंग एंड हाउसेज। बिल्डिंग एंड हाउसेज में भी डिज़ाइनिंग करने में, उसकी डिज़ाइन तैयार करने में इसका यूज़ होता है। कंप्यूटर हेल्प इंजीनियर्स इन डिज़ाइनिंग कार्स, एरोप्लेन्स एंड अदर मशीन। इंजीनियर्स कार की डिज़ाइनिंग में, एरोप्लेन की डिज़ाइनिंग में और बड़ी बड़ी मशीनों की डिज़ाइनिंग में कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं। कंप्यूटर हेल्प फैशन डिज़ाइनिंग टू डिज़ाइनिंग क्लोथ्स। कपड़ों की डिज़ाइनिंग में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। कंप्यूटर हेल्प टू डिज़ाइन एंड प्रिंट द बुक्स, बुक्स मैगजीन आदि प्रिंट करने में भी उसका यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर आल्सो हेल्प अस इन लर्निंग न्यू स्किल, नई नई चीज़ें सीखने में कंप्यूटर का यूज़ होता है, लाइक ड्राइव कार, कार चलाने में, और फ्लाई एरोप्लेन, एरोप्लेन चलाने में, एंड टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेज एंड कुकिंग। अलग अलग लैंग्वेज सीखना हो, कुकिंग सीखना हो, या बहुत सी सारी स्किल्स हम आज की डेट में कंप्यूटर पर यूट्यूब गूगल के माध्यम से तमाम चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं और सीख सकते हैं। सो चिल्ड्रन, आई टॉट यू दैट कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देयर आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। वन इज़ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड CPU. CPU फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। वॉच दिस वीडियो मोर देन टू टाइम्स एंड अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, दिस कॉन्सेप्ट इजली। ओके.